नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह, मैं आपको पाठ 7 का दूसरा भाग पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। आप सभी अपनी किताब में ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस पाठ को समझेंगे। पहला पैराग्राफ देखिए, चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धनिया मान संग्रह करते हैं। मतलब समाज में उन चीजों को गलत माना जाता है जो कि सम्मान को, जो चीजें सम्मान को, हमारे सम्मान को कम करती हैं और गलत तरीके से, गलत यानी भ्रष्टाचार से, चोरी से जो भी हमने धन इकट्ठा किया है उसको गलत मानती हैं। दूसरा पैराग्राफ में देखेंगे, दोस्तों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोस्तों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। इसमें क्या कहा बच्चों, दोस्तों का पर्दाफाश, पर्दाफाश होता है बच्चों भेद खोलना। क्या होता है बच्चों पर्दाफाश? भेद खोलना। वो कह रहे हैं दोषों को खोलना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब यानी किसी के दोषों को उजागर करना, खोल देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई तब होती है जब हम किसी के आचरण, मतलब आचरण माने व्यवहार, किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, उद्घाटित माने खोलना, मतलब उसके गलत जो उसके दोष है उनको खोल करके उसमें रस लेना, रस माने आनंद लिया जाता है। कह रहे हैं वो कि किसी के भेदों को खोलना, दोषों को खोलना कोई बुरी बात नहीं होती। बुराई तब होती है जब हम अपने व्यवहार से किसी के पक्ष को खोलते हुए उसमें क्या करते हैं, आनंद लेते हैं और दोषों उद्घाटन को एक मान कर्तव्य। दोषों उद्घाटन माने होता है बुराई को खोलना, और जो हमारे में, जो दूसरे के अंदर बुराई है उसको खोलकर एकमात्र हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं, एक अपना कर्तव्य मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है दूसरों के दोषों को उजागर तो करो लेकिन उसमें आनंद मत लो, यानी उसकी हंसी मत उड़ाओ। ठीक है ना, अच्छाई में उतना, हमारी जो दूसरों के अंदर जो अच्छाई है उनको उजागर ना करना, उजागर माने प्रकट करना, खोलना, मतलब जो दूसरों के अंदर अच्छाइयां उनको ना खोलना उससे भी बुरी बात है। यानी हमें बुराई के साथ साथ लोगों में जो अच्छाई है उसको भी हमें उजागर करना चाहिए, यानी लोगों को बताना चाहिए और दूसरों के सामने हमें उसकी अच्छाई को प्रकट करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, बुरी बुरी घटनाएं आजकल समाज में, गलत गलत घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें उजागर करने से, जिन्हें खोलने से क्या होता है, लोक चित्त, लोगों के जो मन है, चित्त माने क्या होता है बच्चों, मन, मन में अच्छाई के प्रति, चित्त माने होता है बच्चों मन, मन में अच्छाई के प्रति भावना जागती है, मतलब अच्छा करने के प्रति हमारी भावना जागती है। अब दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। वो क्या कह रहे हैं कि एक बार जो था, लेखक बता रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर, यानी जहाँ से रेलगाड़ी जाती है और हम अपना टिकट लेते हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या करा, टिकट लेते हुए गलती से क्या करा लेखक ने,
कि 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। बच्चों कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है और ये हमारी ईमानदारी, अगर सच बताते हैं तो ये हमारी ईमानदारी का प्रतीक है। तो क्या करा उसने, 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया कि बच्चों जल्दी जल्दी हम जब सुबह टिकट रेलगाड़ी का लेते हैं तो हमें बैठने की भी जल्दी रहती, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। थोड़ी देर में क्या हुआ, टिकट बाबू यानी जो टिकट देने वाला होता है वो उस समय क्या था, सेकंड क्लास का डिब्बा होता था, उन दिनों में जब सेकंड क्लास का डिब्बा होता था उसमें आकर सभी आदमियों के चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था। क्यों पहचानने की कोशिश कर रहा था, कि भूल से उसके पास उस आदमी के 90 रुपए ज्यादा आ गए थे। तो उसने क्या हुआ, और उसने उसे लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता सादगी के साथ, विनम्रता माने होती है सादगी, सज्जनता के साथ 90 रुपए उसके हाथ में रख दिया और क्या कहने लगा कि मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई और आपने भी नहीं देखा। और उसके चेहरे पर वो 90 रुपए देकर, यानी वो 90 रुपए जो बचे हुए थे वो उसे देकर उसमें क्या हुआ, संतोष की गरिमा थी, वो संतोष का सम्मान था। और मैं उसे देखकर जो था लेखक क्या हुए, वो चकित रह गए। आगे का पैराग्राफ देखते हैं, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। क्या कह रहा है, मैं लेखक कह रहा है मैं कैसे कह दूं कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी नहीं है, जैसा कि हुआ है, जैसा उसने 90 रुपए लाकर वापस दिए हैं, तो क्या ये एक सच्चाई और ईमानदारी नहीं है बच्चों? ये भी एक सच्चाई और ईमानदारी है, परंतु कुछ ठगी की घटनाएं होती रहती हैं, अनेक घटनाएं जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार क्या कर रहा है, बता रहा है लेखक, एक बार मैं जो था बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी थी और मेरे क्या थे, मेरे 3 बच्चे भी थे। और क्या हुआ, बस जो थी खराब, बस में कुछ खराबी थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। क्या हुआ, घटना बता रहा है लेखक कि इस बार में बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरी पत्नी थी और बस जो थी रास्ते में खराब हो गई और क्या हुआ, रुक रुक कर चलने लगी। और जहाँ गंतव्य माने होता है, मतलब हमारे जो पहुँचने का स्थान होता है, गंतव्य माने होता है बच्चों जो हमारे पहुँचने का निश्चित स्थान है, उससे कोई 8 किलोमीटर पहले, जैसे हमें मेरठ पहुँचना उससे 8 किलोमीटर ही पहले, जैसे जो भी हमारी पहुँचने की जगह है उससे 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान निर्जन मतलब अकेले सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी बस हमारी खराब हो गई, आगे जाने से उसने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया का मतलब सुनसान स्थान पर उसने आगे बढ़ने से हमें मना कर दिया कि मैं आगे नहीं जा सकती। रात का करीबन क्या हो रहा होगा, 10 बज रहा था और बस में यात्री जो थे, ऐसी सुनसान जगह पर जब बच्चों बस खराब हो जाती है, रुक जाती है, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, इसी तरीके से वो भी घबराने लगे। और जो था बस का जो कंडक्टर था वो उतर कर एक साइकिल को लेकर वहां से चला गया और लोगों को यह शक हुआ, संदेह माने होता है बच्चों, शक हो गया कि यह हमें धोखा देकर भाग गया, या धोखा देकर कैसे, मतलब हमें सुनसान जंगल में बस छोड़कर और हम लोगों को छोड़कर कहीं चला गया है। आगे का पैराग्राफ देते हैं, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। क्या हुआ, बस में जो लोग बैठे हुए थे तो वो तरह तरह की अलग अलग बातें कर रहे थे। बच्चों आपने देखा है कि हम सफर करते हैं तो कोई ना कोई अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं और हम भी उन बातों को सुनते हैं, तो ऐसे ही लोग जब बस खराब हो गई तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा यहाँ पर डकैती होती है, कोई कह रहा था कि यहाँ 2 दिन पहले एक बस लूटी गई थी। वो जो लेखक था वही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ था, बाकी सब अकेले थे, सिर्फ वही अपने एक परिवार के साथ था।
बच्चे जो थे पानी मांग रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से जो आदमी लोग कहर आदमियों का डर, यानी रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उसका डर उसके मन में था। आगे देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर मेरी कातर मुद्रा, तो क्या कह रहे हैं, कुछ लोग जो थे नौजवान, मतलब नवयुवक, नौजवान यानी नवयुवक, मैं सोच रहे थे कि ड्राइवर को मारने पीटने की जो थी सोचे लगे। ड्राइवर जो था हवाइया उड़ गई, मतलब डरने लगा, हवाइया उड़ने का मतलब डरने लगा। लोगों ने क्या करा, ड्राइवर को पकड़ लिया और कातर ढंग से, मतलब वैसी क्रूर निगाहों से, कातर माने क्रूर निगाहों से क्या करने लगे, मेरी ओर देखने। वह कातर ढंग, वह बड़े कौन, ड्राइवर जो था कातर ढंग से, मतलब मायूसी से मेरी ओर, लेखक की ओर देखने लगा। क्या करा, कातर ढंग मतलब मायूसी से, डरे हुए ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, ये लोग मुझे, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मतलब वो कहने लगा कि हम दूसरी बस की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोगों को ले जाएगी जो बस, उसकी हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मतलब लेखक के मन में भी था, लेकिन फिर भी वह उसकी कातर मुद्रा को, यानी उसकी डरी हुई नजरों को देख रहा था। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ 7 का दूसरा भाग पढ़ा है। अब हम इससे आगे का भाग अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।